शाह के रोड शो में उमड़ी बंपर भीड़। लखनऊ में विक्रमादित्य मार्ग स्थित नए घर में शिफ्ट हुए मुलायम सिंह यादव, गृह प्रवेश पूजा में परिवार के लोग भी मौजूद रहे। माथे पर त्रिपुंड और जुबान पर मोदी की तारीफ, सपना का काशी में रूप देखकर लोग दंग रह गए। सपना चौधरी ने वाराणसी में पीएम मोदी के लिए जमकर प्रचार किया और वोट मांगा। प्रज्ञा ठाकुर के बयान पर प्रियंका का ट्वीट, प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर हमला बोला, लिखा बापू का हत्यारा देशभक्त हेरा। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए बुधवार को कहा कि अंग्रेजी के शब्दकोश में मोदीलाई नामक शब्द जुड़ा गया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, अंग्रेजी शब्दकोश में नया शब्द शामिल हुआ है, इसमें जुड़ा स्नैपशॉट शेयर कर रहा हूं। गांधी ने मोदीलाई नामक जिस शब्द का उल्लेख किया उससे जुड़े स्नैपशॉट में कई अर्थ भी बताए गए हैं। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 में गंगा पुत्र बनकर आए थे लेकिन वो मौजूदा चुनाव के बाद राफेल सौदे के एजेंट बनकर जाएंगे। भोपाल में बीजेपी के उम्मीदवार और मालेगांव ब्लास्ट मामले में बेल पर बाहर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नाथूराम गोडसे को देशभक्त करार दिया है। अभिनेता कमल हासन के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि नाथूराम गोडसे देशभक्त थे, देशभक्त हैं और देशभक्त ही रहेंगे। कांग्रेस एक बार फिर बीजेपी पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि बात साफ हो गई है कि भाजपाई ही गोडसे के असली वंशज हैं और वो गोडसे को देशभक्त बताते हैं और हेमंत करकरे जैसे शहीदों को देशद्रोही। हिंसा की संस्कृति और शहीदों का अपमान ही भाजपाई डीएनए है। सीबीआई ने राजनैतिक रूप से संवेदनशील बोफोर्स तोप सौदा दलाली मामले में आगे जांच की इजाजत के लिए दायर अर्जी गुरुवार को दिल्ली की अदालत से वापस ले ली है। मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नवीन कुमार कश्यप को सीबीआई ने बताया कि जांच एजेंसी 1 फरवरी 2018 को दायर अपनी अर्जी वापस लेना चाहती है। कुशीनगर में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा चौकीदार के नाक के नीचे से सभी चोर भाग गए, ना तो 56 इंच का सीना बच पाया ना ही चौकीदारी काम आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल पहले आज ही के दिन भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत के यादगार पल को याद किया। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए कहा कि 130 करोड़ भारतीयों के आशीर्वाद से हमने एक मजबूत सुरक्षित और विकसित भारत बनाने के लिए काम किया। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह पर हमला जारी है। बंगाल के मथुरापुर में रैली को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने अमित शाह को गुंडा और पीएम मोदी को झूठा और बेशर्म करार दिया। बसपा प्रमुख मायावती बंगाल विवाद पर ममता बनर्जी के साथ आ गई हैं। उन्होंने कहा कि यह साफ है कि पीएम मोदी, अमित शाह और बाकी नेता ममता बनर्जी पर हमला कर रहे हैं। उनका हमला पहले से प्लान्ड था, ये बहुत ही खतरनाक है और देश के पीएम मोदी को ऐसा शोभा नहीं देता। मायावती ने कहा चुनाव आयोग ने बंगाल में प्रचार पर रोक लगा दी है। पीएम मोदी की बंगाल में दो रैली है, अगर चुनाव आयोग को रोक लगानी थी तो आज सुबह से ही क्यों नहीं लगा, ये गलत है और चुनाव आयोग दबाव में काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने दावा किया है कि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और पीएम के बुरे दिन 23 मई के बाद शुरू हुए। पीएम मोदी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध, एयर स्ट्राइक का विरोध, घुसपैठियों की पहचान का विरोध, नागरिकता कानून का विरोध, 3 तलाक के कानून का विरोध, ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का विरोध, कदम कदम पर मोदी का विरोध करना, सिर्फ यही इनका मॉडल है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग झूठ और अफवाह फैलाकर हमारे किसानों को गुमराह करना चाहते हैं। मैं यहां से पूरे देश के किसानों को बता देना चाहता हूं कि जो पैसे आपके खातों में भेजे जा रहे हैं वो आपके अपने हैं, आपकी सहायता के लिए हैं, उन पैसों को आपसे कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा। मिर्जापुर में रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जैसे जैसे विरोधियों के गालियों का डोज बढ़ रहा है वैसे ही जनता मेरे प्रति अपने प्यार और विश्वास का भी डोज बढ़ा रही है। मिर्जापुर के लोग जानते हैं कैसे सपा बसपा की सरकार ने घोटाला किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोसी में जनसभा को संबोधित करते हुए गठबंधन पर निशाना साधा, कहा मां मिलावटी लोग अपनी पराजय से बौखला गए हैं, जनता ने उनकी गुणागणित बिगाड़ दी है। पीएम ने कहा कि गुंडों ने ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति को तोड़ा, हम विद्यासागर विजन के लिए समर्पित हैं और उसी जगह ईश्वरचंद विद्यासागर की भव्य प्रतिमा स्थापित करेंगे। वाराणसी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 7 दिन में देश को नया पीएम मिलने जा रहा है, ये धोखे वाली सरकार है, काशी के लोगों को धोखा मिला है। अखिलेश यादव ने कहा पीएम जानते हैं आने वाला समय गठबंधन का है, बीजेपी यूपी से ही नहीं बंगाल से भी घबराए हुए हैं, हमारी जात का नहीं बल्कि गरीबी का गठबंधन है। वाराणसी में बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जनसभा को संबोधित किया, इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला, आजादी के बाद कांग्रेस ने ज्यादा शासन किया है, गलत नीतियों की वजह से विकास नहीं किया, कांग्रेस ने गरीबी और बेरोजगारी दूर नहीं की।
मायावती ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा, वोट के लिए पीएम मोदी अपनी जात का राजनीति में खूब इस्तेमाल कर रहे हैं, समय समय पर मोदी अपनी जात बदलते रहते हैं। सीएम योगी ने ट्वीट करके लिखा है, इस बार 74 से ज्यादा सीटें आ रही और फिर से मोदी सरकार आएगी। सपा बसपा पर निशाना साधते हुए योगी ने गरीबों का हक लेकर सपा बसपा ने उनको ही बर्बाद किया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में गुरुवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ शुरू हो गई। सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को मार गिराया। इस मुठभेड़ के दौरान 1 जवान भी शहीद हो गया। इसके अलावा 2 जवान और 2 आम नागरिक भी घायल हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ खत्म हो गई। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। चुनाव आयोग ने ट्विटर से 2019 लोकसभा चुनाव से संबंधित सभी एग्जिट पोल तत्काल हटाने को आदेश दिया है। चुनाव के आदेश के बाद अब सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एग्जिट पोल हटाए जाएंगे। दरअसल चुनाव आयोग को शिकायत मिली थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने यह फैसला किया है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कोलकाता में रोड शो के दौरान विद्यासागर कॉलेज में तोड़फोड़, महान समाज सुधारक ईश्वरचंद विद्यासागर की मूर्ति तोड़े जाने के बाद राज्य में सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस और भगवा पार्टी में आरोप प्रत्यारोप जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल के लोगों से अपील करते हुए कहा कि बीजेपी प्रत्याशियों को जिताने की अपील की है। सीएम योगी ने कहा कि ममता बनर्जी हिंसा के बल पर चुनाव जीतना चाहती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बंगाल में हिंसा के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताया है। मायावती ने मोदी और शाह पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में मोदी और शाह ममता बनर्जी को काम नहीं करने दे रहे। वाराणसी में वनवासी सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा बसपा पर जमकर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि मोदी जी दलितों और वनवासियों के लिए काम कर रहे हैं और इसके पहले सपा बसपा सरकार में गरीबों के लिए काम नहीं हुआ। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने महाराजगंज में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार मजबूत नहीं बल्कि मगरूर सरकार है। वाराणसी में एनडीए के सहयोगी एवं भारत सरकार के मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर साहब की असली पार्टी बहुजन पार्टी नहीं है। साथ ही कहा, बीजेपी मनवादी पार्टी नहीं बल्कि सबका साथ सबका विकास के साथ चलने वाली पार्टी है। वाराणसी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने कहा, नरेंद्र मोदी महिला आरक्षण की बात नहीं करते हैं। राज्यसभा में कांग्रेस द्वारा समर्थन की बात करने के बाद उन्होंने ये प्रतिक्रिया दी। अमेठी में धारदार हथियार से एक युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई। गांव के पास बगीचे में युवक का लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लखनऊ एसटीएफ ने 1,00,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। एसटीएफ ने आरोपी बदमाश को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। 3 बार पुलिस हिरासत से आरोपी भाग चुका है और 4थी बार भागने की पर यह गिरफ्तारी। महोबा शहर कोतवाली के पलका गांव में 2 मासूम खेत में लगे तारों में आ रहे करंट का शिकार हो गए। लोहे के तारों में विद्युत करंट की चपेट में आकर दोनों मासूमों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। आगरा में कैब ड्राइवर और ऑटो ड्राइवरों की मनमानी से परेशान टूरिस्टों की शिकायतों को देखते हुए आगरा एसएसपी टूरिस्ट बनकर घूमे। एसएसपी ने कैंट रेलवे स्टेशन की सुरक्षा भी जांची। आतंकवाद को घर में घुसकर किसने मारा? आपके एक वोट ने मारा है। आपके वोट ने, ये आपके वोट की ताकत है जो